हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं लुक ये वाला शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत सिंपल गर्मियों के हिसाब से मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है। ये है ईद मेकअप लुक। ईद में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। ड्रेस मेरी लोकल मार्केट की है, बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, लुक बहुत अच्छा है, हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं लगाऊंगी ये गुड वाइब्स का ये है फेस क्रीम, कोकोनट वाली। अच्छी क्रीम है, आपके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करती है। गाइस, मेरी दो दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। जो भी मेरे पास वीडियोस थे मैंने डाल दिए थे। बाकी आज मुझे हल्का सा मेरे को फीवर ठीक लगा, तो मैंने सोचा नहीं बना लेती हूँ। ऐसे में क्या हो जाता है ना कि सब्सक्राइबर्स को लगता है कि अब इन्होंने वीडियो बनाना छोड़ दिया है ये वो। तो फिर मैं बाद में ना ये लोशन लगा रही थी। ये है लैक्टोकैलामाइन लोशन है। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। आप ऐसे डैप डैप करके लगाओगे तो देखना, मतलब ये ना देखो इस साइड कितना ज़्यादा स्मूथी से लग रहा, मतलब अच्छा लग रहा था, है ना। गर्मियों के लिए सही है, मतलब ज़्यादा ऑयली भी ना लगे। अगर आपको कुछ ऐसा वाला पसंद है कि ज़्यादा ऑयली ना लगे, तो आप ये लैक्टोकैलामाइन ट्राई कर सकते हो। मुझे अच्छा लगता है और बहुत इसकी थिक कंसिस्टेंसी नहीं होती है। फिर मैं डार्क सर्कल के लिए एंड एवरीथिंग, आप टोनिंग के लिए आप कुछ भी मत यूज़ किया करो। आप ये रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो अगर आप टीनेजर हो। अगर सो आप ये रोज़ वाटर से ही स्टार्टिंग करो। फर्स्ट आप रोज़ वाटर से स्टार्ट करो। फिर ये मेबलिन की लिप बाम सबके पास होती है, मेरे पास थी, ख़त्म हो गई थी। सो ये थोड़ी सी बची थी तो मैंने ऐसे निकाल ली, यार फेंकूँगी तो नहीं ना। फिर ये हुडा बीटी का प्राइमर है, ये भी ठीक है, प्राइमर अच्छा है। आप ये मत सोचो ये है लोकल वाला, पर ये अच्छा प्राइमर है, काम अच्छा करता है, पोर्स वगैरह आपके ब्लर कर देता है। सो इसलिए मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। गाइज, मेरा पर्पल हॉल इसी ड्रेस में आने वाला है। आज मैंने इसी ड्रेस के साथ अपना पर्पल हॉल और एक मिंत्रा की ड्रेस है वो मैंने बहुत सुंदर सी ड्रेस है वो वाली आप रिव्यू मैंने शेयर किया, आप ज़रूर देखना जाके, ठीक है। आने वाली वो वीडियो भी आ जाएगी कल परसों तक। फिर मेबलिन का मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। गाइज, ये था ईद मेकअप लुक। ईद में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सो आप कपड़े भी ना ऐसे ही आप हल्के फुल्के पहनो, मेकअप भी बहुत नेचुरल सा करो। तो मैंने ना क्या किया, ये बिल्कुल नेचुरल, मैं आज बस लिपस्टिक डार्क रखूँगी, बाकी देखो मैंने डॉट डॉट कर, आप ऐसे करके लगाओगे आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा लगेगा। फिर इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एंड अच्छे से ये मेरा पूरा ब्लेंड हो गया गाइस। फिर देखिए बिल्कुल मुझे ना बहुत ओवर नहीं चाहिए था, मुझे बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए था, क्योंकि मुझे यार ईद के लिए मुझे बहुत नॉर्मल चाहिए था। और मुझे ये वाला कुर्ता एंड ये प्लाज़ो नहीं है, ये वो है, ये प्लाज़ो नहीं है, ये वो है, शरारा है, शरारा सूट है ये। पर मुझे लगा हाँ ईद के लिए सही था, और कलर भी मुझे अच्छा लगता है, इसकी प्रिंट ना सुंदर लगती मुझे इस कुर्ती की। और इसके साथ मैंने कोई मेकअप लुक किया भी नहीं था, तो मैंने सोचा कर लूँ। फिर मैंने इसमें क्या किया, हाँ आपको ये हैक बताती हूँ, आप आईब्रो फिल किया करो ना, तो अपने ब्रश में ना एक बार जैसे अभी मैंने स्प्रे किया आप कर लिया करो, फिर अपनी आईब्रोज फिल किया करो, ओके। सो बस मैंने वहीं पे अपने हिलेरी रोजा का लूज़ पाउडर से अपनी अंडर आई को सेट करने रख दिया है, ठीक है। अपना मैंने आईब्रोज फिल कर ली, उसके बाद ये ADS का मेरे पास न्यू मस्कारा है, ये न्यू मस्कारा है, ये मैं इससे मैं वो करूँगी, मतलब अपनी आई लैश सॉरी आईब्रो को कॉम करूँगी। अच्छा आता है, अच्छा मतलब अच्छा दिखता है, दिखने में अच्छा लगता है, ऐसे कॉम रहता है ना तो अच्छा लगता है। मेरे पास एक भी कॉम करने वाला है नहीं, एनीवेज। फिर जो भी पाउडर वगैरह था, मैंने एक्सेस पाउडर जो भी था वो सब मैं हटा रही हूँ। अच्छा सेट करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप सेट नहीं करोगे पूरा मेकअप गर्मियाँ होती है बह जाएगा पूरा यार पानी की तरह तो कोई मतलब नहीं है ना।
देखिए इतना बेस तो मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, फिर मैं शुगर का बहुत अच्छा कॉन्टोर पैलेट ले लूँ, बहुत अच्छा है कॉन्टोर, मिनी कॉन्टोर है ये, इससे मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। ये आप कॉन्टोर कर लो, बहुत हल्का सा करो, ये बहुत लाइट शेड है एंड आप कॉन्टोर कर लो इससे। कॉन्टोर तो यार हम लोग कर सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें मैं कर रही हूँ, की मैंने देखो सारी चीज़ें हैं बट बहुत कम क्वांटिटी में की हैं, तो इससे अच्छा भी लगता है, देखने में भी प्यारा इफेक्ट आता है यार। फिर मैं हुजा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट में से मैं लगा रही हूँ कोरल कलर का ब्लश, जो कि मुझे इसका ब्लश बहुत पसंद आता है, पहले मैंने आज तक ट्राई नहीं किया था पहले, फिर मैंने दो चार वीडियो में पिछले में ट्राई करना चालू किया था, जब भाई मुझे बहुत पसंद आया, फिर मैं यही सोच रही थी मैंने ट्राई क्यों नहीं किया, फिर मैंने वही जो कोरल वो लिया था ना पिंक शेड, वही मैं अपनी आईज़ में भी लगानी, क्योंकि मुझे मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा हल्का चाहिए था, और जितना सिंपल था ना आज का मेकअप लुक उतना ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। सो ना मुझे बस बेबी पिंक सा मैंने वो जो कलर पिक किया और बस मैं उसको अपना अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। सेकेंड आईज में भी मैंने बस वही किया, ये देख लीजिए, और इसी को ही मैं अपनी लोअर लैश लाइन में भी लगाऊंगी, ये पिंक कलर को, हो गया बस दे एंड, आँखें भी कंप्लीट हो गई है मेरी लगभग। फिर मैं अपनी आईलैश कलर से आईलैश को कर रही हूँ कर्ल, और या आप जब भी आई मस्कारा लगाओ तो अपनी आईलैश जरूर कर्ल करो, इससे क्या होता है थोड़ा अच्छा लगता है एंड आपके ऐसा आपको ना कोई ऐसी नकली आईब्रोज लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती यार, और आईज़ मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल की थी ना तो मुझे थोड़ा सा चाहिए था, ठीक है, तो मैं बहुत नेचुरल ईद मेकअप लुक करने वाली थी ये, तो बस मैंने बहुत नेचुरल सा किया है, ज़्यादा कुछ ओवर क्या मैंने ज्वेलरी डाली तक नहीं, हाथ में बस एक बैंगल और सिंपल सी बिंदी। आप ये ट्राई करके देखना, ये वाला मेकअप लुक बहुत आपको पसंद आने वाला है। फ्री NYBK का है काजल, ये काजल का तो ये उतना अच्छा काम नहीं करता है, पर हाँ ये हाइलाइटर का जो तो काम करता है भाई साहब, भगवान जी कसम से ये क्या तो काम करता है, एकदम नेचुरल, इसमें एक भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है भैया, इंसान इतना महंगा महंगा लेता है उसमें भी चंकी पार्टिकल, यहाँ तक वेट एंड वाइल्ड में भी चंकी पार्टिकल्स है, इनमें नहीं है, लेकिन क्योंकि ये काजल था गाइज इतना नेचुरल, कैमरे में इतना नहीं फोकस कर रहा लेकिन बिल्कुल दिन में मैंने जब लगाया था, ओ माय गॉड कितना सुंदर लग रहा था, इससे मैं सोच रही हूँ किसी दिन आई लुक भी क्रिएट करूँगी। फिर ये पर्पल की मिनी लिपस्टिक थी, मैरून कलर है इसका, ओ माय गॉड इसका शेड देखो बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बस मैं इसको लगा लूँगी। गाइज यही थी मेरी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी, मेरी हेयर स्टाइल इज डन। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ कमेंट डाउन करना आपको कैसा लगा मेरा नेचुरल मेकअप लुक। बहुत कमेंट आते थे कि नेचुरल करो, लो मैंने नेचुरल मेकअप लुक भी कर लिया है, कमेंट डाउन करो आपको कैसा लगा, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।